अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं हम सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। ये साथ माजिद भाई हमारे आज की हॉस्टिंग उनके साथ होगी कम्प्लीट। इस टाइम हम खड़े हैं, इस टाइम मीनारे पाकिस्तान की बिल्कुल अपोजिट। ये देखें बैकेंड भी आपको मीनारे पाकिस्तान नज़र आ रहा है। तो चलें बाकी आपको आगे दिखाते हैं 14 अगस्त का जश्न आज़ादी मुबारक का क्या जैसे रोशन होती है इधर, और लॉकडाउन में कैसा रहा है। थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है आज, तो अगर आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो तो माजरत। चलें ये देखने रशा, आप ये सारी न्यूज़ वाले आए हुए हैं, वेट में हैं कि आज फायर वर्क्स होते हैं आज़ादी चौक में, नहीं होते। रश आपके सामने है, जश्न आज़ादी मनाने के लिए लोग निकले हुए हैं सारे। ये कौन से न्यूज़ वाले आए हुए हैं, डिफरेंट न्यूज़ वाले सारे खड़े हैं। तो हम भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं बीच में, साथ आउटिंग भी कर रहे हैं। ये इस टाइम हम गुजर रहे हैं बादशाही मस्जिद से, उन्होंने रास्ता ही कर दिया बंद यहाँ से। यार इस टाइम गुजर रहे हैं हार रोड से हम, और इस टाइम अभी 11 बजे का टाइम है। आवाम जो से भी रेस्टिंग पीरियड पे है, आराम कर रही है अभी। तो जैसे ही इंशाल्लाह 12 बजेंगे और यहाँ पे आपको पावर रखने की जगह नहीं मिलेगी फिर, तो अभी ये देखें ये रश स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ऐसे चमन के पास आ गए अब हम। अल्फला थिएटर, या यहाँ पर ड्रामा देखने आना है। अब लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, अब तो पूरा बनाते हैं प्रोग्राम फिर इंशाल्लाह। वो कास्ट अच्छी होनी चाहिए माजिद भाई, क्या कहते हो आप? ये असम्बली हाल, और असम्बली हाल में भी इस टाइम कोई माहौल नहीं है क्योंकि अभी टाइम ही नहीं हुआ कुछ भी, 11 बजे का टाइम है। ये देखें तो सारा हल्ला गुल्ला जो शुरू होगा, रौनक शुरू होगी, वो 12 बजे शुरू होगी। असम्बली हाल के पास से गुजर रहे हैं, बहुत अच्छा कुछ। असम्बली हाल का साइड व्यू, बस इंतज़ार कर रहे हैं जैसा अभी हम क्लिक कटिंग कर रहे हैं हाइलाइट्स के लिए वीडियोस। बाकी जैसे ही क्राउड बाहर आएगा देन वीडियोस बनाएंगे फिर इंशाल्लाह। पे नक्शा ही बदल जाते हैं, माल रोड पर स्टार्ट हो गया हुआ है, मगर कोई वो वाली बात नहीं है, जब अभी इशारा बंद है इस वजह से रश है। रात में ही थी जी। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SOB इस टाइम दरख्तों में छुपा हुआ है, दरख्त गुजरेंगे तो वो नज़र आएगा, दीदार करवाएगा, अपना भी तो हमसे छुप रहा है वो इस टाइम, और कितना छुपेगा, आखिर पकड़ ही लेंगे इसे। ये देखें जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाइटिंग। वंस अगेन ज़रा करीब आगे बजाएं, ये आ गया GPO व्यूज। मुझे लग रहा है इस बार जोन सेना 14 अगस्त प्रीवियस ईयर के मुताबिक नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि इस बार पुलिस फुल एक्टिव है, डॉल्फन भी एक्टिव है, साजन वाले भी, वार्डन वाले भी, तो पंजाब पुलिस भी सारे एक्टिव हुए हैं इस टाइम। रोड भी माल रोड का रोड भी ख़राब है, तो देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड है। 12 बजे पता लगेगा एक्चुअल क्या होता है। इस बार लग रहा है कि सारी बिल्डिंग भी SOP को फॉलो कर रही हैं, हर तरफ सन्नाटा हो गया। मगर अभी मजबूत टाइम भी तो बढ़ाना काफ़ी जी, अभी 1 घंटा बाकी है पूरा। तो अभी जो जैसा हम पहले का रिव्यू ले रहे हैं, क्या सोचते हैं लंबा पायर की। ये है जी माल रोड का अजायब घर, मस्जिद भी थक गया इस टाइम बहुत ज़्यादा, मैं कह चलें अजायब घर ही दिखा दें। ये देखें आपको दिखाऊँ इस टाइम लाइटिंग यहाँ पे नहीं है, इधर स्मार्ट सिटी ऑफ लाहौर जो इमरान खान ने अनाउंस किया है, तो वो सारे हाउसेज उन्होंने यहाँ प्रोजेक्ट लगा दिया उसका बना के, अभी नज़र नहीं आ रहा ट्री के ऊपर देख सकते हैं। तो ये ट्री में जो है सारे दरख्त ही लगे हुए हैं, अब लाइटिंग यहाँ पे नहीं है, और एम्बुलेंस गुजर रही है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह उसे बीमार की शिफा अता फरमाए। और ये देखें जी ये कौन सी ये बिल्डिंग थी, हाँ टाउन हॉल, सॉरी मैं भूल गया था यार क्योंकि आना यहाँ पे नहीं होता, ये फैमिलीज आई हुई हैं सारी।
ये पता नहीं कौन सा फोकर जहाज खड़ा हुआ है, और ये टाउन हॉल का व्यू है बाइट से। बाकी मुझे लग रहा है कि इस बार 2020 के अंदर 2019 वाला माहौल हमें नहीं नज़र आएगा, क्योंकि आप सारे जानते हैं कोरोना का इशू है, और दूसरा फिर ये मेन इशू तो पेंडेमिक का ही है। अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। 12 बजे अभी तो